अनुभव सीजन 14 के घर के अंदर जब से देवोलीना आई हैं, तब से उनका बस एक ही मकसद है और वो है रूबिना के गेम को खराब करना, रूबिना की इमेज को खराब करना। और अब इसी कड़ी में देवोलीना ने एक नई चाल चल दी है। हमने आपको बताया था कि बीते दिन अली गौनी ने पूरी तरह से रूबिना और अभिनव को सपोर्ट करा है और अली और अभिनव की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन ये बात देवोलीना को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और देवोलीना ने अली गौनी के कान भरना रूबिना के खिलाफ शुरू कर दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि आखिर कैसे देवोलीना अली के कान भर रही है रूबिना के खिलाफ। होता कुछ यूं है कि बेडरूम एरिया में अली गौनी और देवोलीना बैठे होते हैं और यहाँ पर देवोलीना अली से कहते हुए नजर आती है कि ये जो देवी है ना, ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी को भी बुरा दिखा सकती है और इसी की वजह से जैस्मिन इस घर से निकली है। तुम्हें पता है बाहर से देखने में उस समय जैस्मिन बहुत खराब लग रही थी, लेकिन जब से मैं घर में आई हूँ हर किसी ने जैस्मिन की सिर्फ तारीफ की है, लेकिन बाहर उसको गंदा दिखाया गया और इस देवी को अच्छा दिखाया गया और अब मैं घर के अंदर आकर इस देवी की असलियत जान चुकी हूँ और अब मैं ये समझ सकती हूँ कि इसने अपनी शातिर चालों को चलकर जैस्मिन को इस घर से निकाला है और असल में ये बहुत षड्यंत्र रचने वाली औरत है और इस देवी के पीछे इसका पति घूमता रहता है हर वक्त, जो कुछ भी ये कहती है उसमें हाँ में हाँ मिलाता है। इस तरह से देवोलीना अली गौनी के कान भर रही होती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि जैस्मिन और अली का रिश्ता क्या है। ऐसे में अगर वो अली को ये महसूस करवा देंगी कि जैस्मिन कहीं ना कहीं रूबिना की वजह से घर से बेघर हुई है, क्योंकि जैस्मिन की खराब इमेज दिखाई गई है टीवी पर रूबिना की इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अली का मन रूबिना से खराब होगा। मान गए देवोलीना की इस चाल को। दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है देवोलीना के इस गंदे खेल के बारे में, कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।